मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, कक्षा 9वीं के हिंदी व्याकरण में आप लोगों ने भाग 9 में समास की परिभाषा और समास के भेदों को जाने थे। इसके बाद से समास के प्रत्येक भेदों को सविस्तार जानना बाकी है। आइए समाज के प्रत्येक भेद को विस्तारपूर्वक परिभाषित करते हुए उनके उदाहरणों को जानते हैं। तो सबसे पहला भेद है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव करना है, इसमें सिर्फ उदाहरणों को समझेंगे। इसमें भेद नहीं होते। इसकी सबसे बड़ी खासियत है, मैं पहले बता दूं कि
आ रहा है उसको बाद में स्पष्ट करेंगे। और ऑप्शन है आपको भर में
लोगों ने चतुर्थ समास को अव्ययी भाव तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, समास के चारों भेदों को परिभाषित हम लोगों ने कर चुका है। लेकिन अब है, लेकिन मैं बता दूंगा आपको, तत्पुरुष समास में ये पद की रचना दो प्रकार से होती है। एक तो होता है पूर्व पद संज्ञा और उत्तर पद क्रिया। एक होता है पूर्व पद संज्ञा और उत्तर पद भी संज्ञा, यानी उत्तर पद में कहीं संज्ञा भी होता है और कहीं क्रिया भी, लेकिन पूर्व पद तो तय है कि संज्ञा ही होगा। तो दो तरह से उसकी रचना होती है और इसमें उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है। इतना तो क्लियर है, इतना तो तय है और यही परिभाषा भी है और इसको मैं लिखा चुका हूँ। तो आइए जानना है कि इनके कितने भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के भेद को जानते हैं कारक के आधार पर। कारकीय भेद जो है इनका समास का कारक के आधार पर समास के कुल छह भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष से लेकर अधिकरण तत्पुरुष कारक, जैसे कि आपको पता है कि कारकों की संख्या आठ है भूमि में, कर्ता कारक से लेकर संबोधन कारक तक। तो पहला जो है कर्ता कारक इसमें नहीं है और अंतिम जो है संबंध कारक वो भी इसमें नहीं है। तो कुल मिलाकर दो कारक ही इसमें निकल गए, यानी कारकों की संख्या कुल आठ, उसमें से दो कारक निकल गए तो बच गए छह कारक। इन छह कारकों के नाम से, छह कारकों के रूप में इन तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। यही है कर्म तत्पुरुष से लेकर अधिकर्म तत्पुरुष तक। कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकर्म तत्पुरुष, ये छह भेद है। अब है कि का नाम भेदों का नाम जो है कारक के नाम से है, इसलिए कि प्रत्येक तत्पुरुष का जो प्रसर्ग होता है, उसका जो चिन्ह होता है, उसके समासिक पद में यह गुप्त रहता है, गुप्त
सूत्र रहता है, क्योंकि समासिक पद बोलते ही चिन्ह का लोप हो जाता है, उस पर स्वर्ग का लोप हो जाता है। तो आइए देखते हैं इसको धारणों में। पहले रूप रचना के बारे में बता दूं मैं, रूप रचना
पुरुष मठ पर भी रचना में सभी प्रकार के कार्यकीय प्रसन्न यंचिन लुप्त हो जाते हैं, चाहे कर्म कारक का हो, कर्म कारक का हो, संप्रदान कारक का हो, उपदान कारक का हो, सुमंध कारक या अधिकरण कारक, इन तमाम जो कारक है कर्म कारक से अधिकरण कारक तक के जो भी समास बनते हैं, पुरुष समास के का जो भी पद रचित होता है उसमें इन कारकों का चिन्ह लुप्त हो जाता है पूर्ण रूप से। और जब विग्रह करते हैं यानी समस्त पद का विस्तार करते हैं, समस्त पद का विस्तार करना ही विग्रह कहलाता है, उसको अलग अलग करना ही विग्रह कहलाता है, और उनको एकीकृत रूप में लाना समस्त पद कहलाता है। तो प्रक्रियाएं होती है समस्त में, एकाधि के पदों के अर्थ के भाव को एक पद के अर्थ के भाव के रूप में व्यक्त करने की विधि को समस्त कहते हैं। एक यह परिभाषा आपको बताने में भूल गया था कि इसकी सबसे सटीक परिभाषा यह भी है कि एक से अधिक पदों के भाव को एक पद के भाव के रूप में व्यक्त करने की विधि को समास कहते हैं। तो जो एक से अधिक पद हैं यानी अनेक पद हैं, उन अनेक पदों को जब एक पद के रूप में ला देते हैं तो वो समस्त पद हो जाता है, वो समासिक पद हो जाता है। और फिर जो समस्त पद है या समासिक पद है उसको विस्तृत जब कर देते हैं, नहीं उसका विग्रह कर देते हैं, अलग अलग उसको कर देते हैं, अलग अलग करने वही विग्रह कर, तो अलग अलग कर देते हैं यानी जब उसका विस्तार कर देते हैं तो विग्रह हो जाता है। तो कारक के आधार पर जो भी तब समास रचित होते हैं उन कारकों का प्रसंग समस्त पद बनने पर लुप्त हो जाता है, और जैसे फिर उसका अलगाव करते हैं, उसका विग्रह करते हैं, उसका उसको विस्तृत करते हैं तो वो चिन्ह आ जाते हैं। जैसे कि उदाहरण में स्पष्ट हो जाएगा, आइए उदाहरण देखते हैं, आइए अब इसके बाद उदाहरण देते हैं। मरण को आसन
रुपया करीब। आसन का अर्थ है निकट या करीब। ध्यान देंगे नन्ना संयुक्त है आसन में, इसका अर्थ हमेशा निकट या करीब ही होता है। सिर्फ एकम न हो तो आसन का अर्थ होता है बैठने का स्थान, बैठने का बैठने की व्यवस्था। तो अब ध्यान दें, को 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 लगातार सभी उदाहरणों में सभी समास सभी समस्त के विग्रह के उदाहरणों में आप देख रहे हैं कि वो यानी कर्म कारक का परफर ध्यान क्या होगा है, कर्म का पुरुष है, कर्म कारक का परफर होता है को, कर्म कारक का भी मुख्य परफर्ग है वो है को, और एक को परफर्ग आपका प्रत्येक के विग्रह में आ जाता है। जब किसी तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर को परफर्ग आता है प्रथम पद के बाद तो वह कर्म तत्पुरुष होता है, और किसी तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर प्रथम पद के बाद से आता है या द्वारा आता है या के साथ आता है या के द्वारा आता है तो वह कर्म तत्पुरुष होता है। जिस तत्पुरुष का विग्रह करने पर प्रथम पद के बाद को आता है या के लिए आता है तो वह संप्रदान तत्पुरुष होता है। जिस तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर प्रथम पद के बाद से आता है जुदाई के भाव में तो निश्चित तौर पर वह अपादान तत्पुरुष होता है, और जिस तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर प्रथम पद के बाद का के की यारे भी आता है वह निश्चित रूप से संबंध तत्पुरुष होता है, और जिस समास जिस तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर प्रथम पद के बाद में या पे या पर आता है तो निश्चित रूप से वह अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है। तो निश्चित रूप से यह जान लें कि जहां भी तत्पुरुष समास के कार्तिकीय भेदों को हम विग्रह में ले जाएंगे तो प्रथम पद के बाद समास से संबंधित परसर्ग निश्चित रूप से दिखेगा, परिलक्षित होगा। तो आइए कर्म तत्पुरुष जो इसका परसर्ग को है वह यहां दिख गया। ऐसे ही कर्म तत्पुरुष प्रत्येक तत्पुरुष को हम वर्गीकृत करते हैं, बताते हैं आपको।